एग्री अपडेट देखने वाले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि स्नातक जो कृषि की पढ़ाई करके अपने घर में बैठे हुए और 10 से 15 हज़ार की नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन साथियों के लिए आज वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ज़रूर देखें। और ये हमारा जो एक मोटिवेशनल वीडियो रहेगा, तो ताकि एक दूसरे से हम सीखें। हमारा चैनल का यही मकसद है कि जो किसान साथी ये चाहते हैं कि हम 5 से 10 हज़ार नौकरी को छोड़कर हम अपना व्यवसाय स्थापित करें, उसी में हमारे जो किसान हैं सुखचैन जी हैं, वो उन्होंने कृषि स्नातक हैं, पढ़ाई करके वो अपने घर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट अपने घर के जो आंगन है उसमें लगाया है और इसको बढ़ावा देने के लिए अपने पूरे एरिए में, अपने जो ज़मीन है उसमें ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके इन्होंने अलग से एक काली जो तुलसी है उसको भी एक नाला में लगाया था, जिसे वो बता रहे हैं कि हमारा 10 से 12 हज़ार का हम इसे मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये वीडियो उन कृषि स्नातकों के लिए है, कृषि ग्रेजुएट किसान भाइयों के लिए है जो अपने आप को एसआई समझ रहे हैं, वो अपने घर से शुरुआत करें, अपने आंगन से शुरुआत करें। इस प्रकार से वो कम खर्चे में जैविक खेती को अपनाते हुए इस्तेमाल कर सकते हो टेक्नोलॉजी का, क्योंकि वो इसके बारे में, पेड़ पौधों के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो वो 10 हज़ार 5 हज़ार की नौकरी को ना समझते हुए तो उसको इस्तेमाल करें अपनी टेक्नोलॉजी को। आइए बात करते हैं हम सुखचैन जी से, वो क्या है इनका विचार, किस प्रकार से खेती कर रहे हैं उसके बारे में। नमस्कार, मैं सुखचैन सिंह, कैथल ज़िले से, गांव मेरा लैंडर पेड़ ज़्यादा है। ये मैंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करी है, अभी 2 साल हो गए इसको। और ये मैं बरनाले से लेकर आया था, इसका ये है, इसकी वैरायटी है यूट्रस पोलीराइजस। और ये इसको मैंने 2 साल से लगा खेती शुरू करी है, इसमें से अभी 1 साल में तैयार हो जाएगा, फ्रूट लगना शुरू हो जाएगा, फ्लावरिंग आएगी। तो इसका जो बेनिफिट है उसमें से 300 रुपये पर किलो के हिसाब से बिक रहा है, उसी हिसाब से इसमें से 1 एकड़ में का 2-3 लाख रुपये पर ईयर की इनकम जाएगी, मेरे को अनुमान है। नर्सरी तैयार करी थी, नर्सरी इसके 6 महीने तक नर्सरी में पॉली बैग्स में तैयार करा, उसके बाद में इसमें ये लेके आए डिब्बे, उसमें से ये पाइप लगाया, इसमें पाइप लगाने के बाद फिर मैंने इसको स्पोर्ट के हिसाब से तैयार करा है। उसके बाद जो पानी है इसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी के जो है वो इसमें लगभग 15 से 20 दिन के बाद पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसी हिसाब से इसको तैयार किया जाता है। इसमें पानी नहीं खड़ना चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे शेद डाले हुए हैं, शेद निकाले हैं, यहाँ पे ऊपर भी हैं, ताकि इसमें से पानी वो साथ के साथ बाहर निकलता रहे। खर्चा का ऐसा है, इसमें से 100 रुपये मेरे को प्लांट पड़ा है, एक प्लांट पड़ा है उसमें से, और 700-800 रुपये में ये जो इसका सारा सामान है बाकी का, वो मटेरियल मैं सारा लेकर आया हूँ, लगभग मतलब 800-900 रुपये में एक प्लांट तैयार हो रहा है। बीमारी आती है इसमें से बस मेन फंगस की प्रॉब्लम है और सन बर्निंग की प्रॉब्लम है। फंगस के लिए हम क्या करते हैं कि जो M45 आ रही है वो यूज़ कर रहे हैं, तो और तो कोई दवाई यूज़ नहीं। मार्केटिंग का ऐसा है, हमारे कैथल ज़िले में भी बहुत अच्छी मार्केटिंग है, बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है। जैसे हमारा कीवी प्लांट होता है, कीवी के जो फ्रूट होता है उसमें से बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, वैसे ही इसका प्लांट है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं। सिर्फ टाइल बेस पे लगाया है, अगर ये हमारे यहाँ एरिया में कामयाब हो गया तो मैं इसको 1-2 एकड़ में फिर आगे ट्राई करूँगा। और इसमें एक है, अगर हम इसको फील्ड में लगाते हैं तो वो बहुत मुश्किल में आती हैं, इसलिए मैंने ये पोट में लगाया, पहले फील्ड में लगाया था, वहाँ पे अच्छे से तैयार नहीं हो पाया, तो अब मैंने ये पोट में लगाया, इसमें अच्छी ग्रोथ कर रहा है। यही प्लानिंग है, हमारे यहाँ एरिया में कामयाब हो गया तो फिर मैं इसको बड़े लेवल पर लेके जाऊँगा, 10 एकड़ 50 एकड़, तो उसी हिसाब से चलेगा। किसानों को क्या सलाह देना चाहते हैं आप? किसानों को मैं यही सलाह देना, आप कणक और जीरी को छोड़कर दूसरी फसलों की तरफ बढ़ें तो इससे हमें मुनाफा होगा। इसके अलावा जो मैंने मेडिसिनल के में तुलसी की खेती शुरू करी थी और 4 महीने लगे थे उसको तैयार होने में, तुलसी लगाई थी तो 4 महीने में वो मेरी तैयार हो गई, वो मैंने एक कनाल में शुरू करी थी पहले, तो अभी एक कनाल में मुझे 10-12 हज़ार रुपये का फ़ायदा हुआ है उसमें, मतलब कि अगर हमें छोटे लेवल पे किया है 10 हज़ार का, अगर 1 एकड़ में होता तो 80 हज़ार के पास आसपास मेरे को 1 एकड़ पर। मार्केटिंग अच्छी है? हाँ जी, मार्केट के हिसाब से अपने बिजनेस का तो फायदा ही सभी को, सरकारी जॉब में सभी लड़कों की दौड़ है, सरकारी नौकरी चाहिए,
लेकिन सरकारी नौकर सरकार नौकरी दे भी क्या रही है, किसी को 5-10 हज़ार दे रही है, किसी को 15 हज़ार दे रही है, वो भी कभी सर तनख्वाह दे रही है सरकार, कभी नहीं दे रही। मैं तो यही सलाह देऊँगा सभी पढ़े लिखे नौजवानों को, सभी बच्चों को, कि वो अपनी खेती करें, अपना बिजनेस करें, आप बिजनेस करें और लोग दूसरों को भी उसमें दें, दूसरे बच्चे भी उनको साथ जोड़ो। खेती और गेहूँ की ये छोड़ के, जीरी की फसल छोड़ के हमको और दूसरी फसलें बोनी चाहिए, जैसे दाल है, सर तेल बीज हैं, उसके अलावा और भी जैसे बागवानी की तरफ आना चाहिए हमारे को। हमने अपने खेत में भी लगा रखी हैं और खेत में हर एक सब्ज़ी मैं अपने घर की उगाता हूँ। अब हम बाज़ार से कभी कोई सब्ज़ी नहीं लेके आते, हमारी पूरी घर की सब्ज़ी होती है, सारी घर की खेती होती है।